अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है हमारे पास हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, के इलेक्ट्रिसिटी के नुकसान क्या होते हैं। फिर हम इसमें पढ़ेंगे इंसुलेशन डैमेज क्या होता है, और फिर हम पढ़ेंगे शॉर्ट सर्किट। हम कहते हैं घरों में शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के फायदे तो है, हम इलेक्ट्रिकल एप्लायंस यूज करते हैं, हम अपनी जरूरियात पूरी करते हैं इसे, जो चीज हमें रन करवानी होती है एंड लाइट लेते हैं डिफरेंट पर्पजेस के लिए। लेकिन इसके नुकसान भी होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी के हैज़र्ड मतलब इसके नुकसान भी है, नुकसान किस तरह से है। देखिए एक चीज याद रखें कि अगर हमारे पास 0.001 एम्पीयर का करंट है ना, तो वो हमें फील हो सकता है, फेल्ट होगा, हमें फील होगा वो। लेकिन अगर ये करंट 0.005 एम्पीयर हो जाए तो ये पेनफुल होता है। अब देखें कितना कम अमाउंट है, 0.001, ये वन भी नहीं है, ये हाफ भी नहीं है, बल्कि ये 0.005, और ये पेनफुल होता है, हमें फील होता है, इतना झटका हमें लगता है कि हम शॉक के मारे हो सकता है दोबारा वायर को हाथ लगाए, इतना ये पेनफुल होगा। और अगर ये अमाउंट बढ़ जाए 0.070 एम्पीयर हो जाए, तो इससे इंसान के अगर ये मोर देन 1 सेकंड अगर लगा रहे तो इंसान की इसमें डेथ भी हो सकती है, ठीक है। ये इतना पावरफुल करंट है 0.070 एम्पीयर, कि अगर ये 1 सेकंड से ज्यादा ये इंसान को टच करके रखे तो इंसान की डेथ भी हो सकती है, हार्ट पंपिंग करना बंद कर सकते हैं, ये इसका नुकसान है सबसे बड़ा। और इसके अलावा एक हम पढ़ते हैं डैमेज इंसुलेशन डैमेज। अब डैमेज इंसुलेशन का मतलब क्या होता है, इंसुलेशन मतलब क्या होती है, इंसुलेशन होती है जो कवर होता है वायर के ऊपर, प्लास्टिक का कवर होता है, प्लास्टिक का वो ब्लैक कलर का हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लू, ग्रीन, येलो, कोई भी कलर हो सकता है। वो जो 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 इंसुलेशन ऊपर कवर चढ़ा होता है ना, उसका काम होता है कि जो अंदर की वायर मेटल की होती है उसमें से करंट को आउटसाइड से बाहर निकलने से रोकना, ठीक हो गया। अगर ये इंसुलेशन डैमेज हो जाए, किसी वजह से फट जाए, तो देखिए जो इलेक्ट्रिकल वायर होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर दोनों साथ साथ चल रही होती है, ये लाइव वायर और ये जो है दूसरे वाली न्यूट्रल वायर, ये दोनों साथ साथ चल रही होती है, ठीक है। घरों में जो इलेक्ट्रिकल का नेटवर्क होता है, जो वायरिंग हुई होती है, वो न्यूट्रल और लाइव वायर दोनों साथ साथ चल रही होती है। अगर लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, इन दोनों की अगर इंसुलेशन डैमेज हो जाए, जो ऊपर प्लास्टिक की कवर होती है, प्लास्टिक की कोटिंग लगी होती है, अगर वो उतर जाए और दोनों वायर आपस में अटैच हो जाए, तो क्या होगा, धमाका होगा, स्पार्किंग होगी, आग लग जाएगी। वो जो धमाका होगा, वो जो आग लग जाएगी, दैट्स कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। इसको हम बोल देंगे कि वो शॉर्ट सर्किट है, ठीक हो गया। और शॉर्ट सर्किट होता किस वजह से है, जब इंसुलेशन डैमेज हो जाती है तब शॉर्ट सर्किट अकर होता है। याद रखना है, शॉर्ट सर्किट तब होगा जब लाइव वायर अटैच होगी, अटैच डायरेक्टली टू न्यूट्रल वायर, ठीक हो गया। जब लाइव वायर अटैच हो जाएगी डायरेक्टली टू न्यूट्रल वायर, जब लाइव वायर डायरेक्ट हो जाएगी न्यूट्रल वायर के, तब इंसुलेशन डैमेज होगी और तब शॉर्ट सर्किट होगा। और शॉर्ट सर्किट होने के लिए एक चीज याद रखें, जो करंट होती है वो वेरी हाई हो जाती है, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, जबकि उसमें जो रेजिस्टेंस होती है वेरी लो हो जाती है। कि रेजिस्टेंस लो होगी तो उसमें करंट बहुत ज्यादा चलेगा, जब करंट बहुत ज्यादा चलेगा तो वायर मेल्ट हो जाएगी, जब वायर मेल्ट हो जाएगी तो उसकी इंसुलेशन डैमेज हो जाएगी, जब इंसुलेशन डैमेज होगी तो शॉर्ट सर्किट अकर होगा। इसमें कुछ इस तरह से होता है, सपोज करते हैं कि ये एक लाइव वायर है, ये लाइव वायर है, ठीक हो गया। ये डबल वायर का मतलब है कि ये कोटिंग है इस तरह से, ठीक है, ये कोटिंग हुई है। अब ये आगे से इसकी कोटिंग उतर चुकी है और ये साथ जाकर अटैच हुई है दूसरी वायर से,
जो कि न्यूट्रल है, ठीक है। अब लाइव वायर अटैच हुई है न्यूट्रल वायर के साथ, और तब जब दोनों की इंसुलेशन डैमेज हो चुकी है, ये न्यूट्रल वायर है वो लाइव वायर है, तो यहां पर शॉर्ट सर्किट होगा, धमाका होगा, आग लग जाएगी, फायर होगा, एक्सप्लोजन होगा, इसको हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट, ठीक हो गया, ये शॉर्ट सर्किट, ठीक हो गया। सो इस तरह हाउस में शॉर्ट सर्किट होता है जिसकी वजह से घरों में आग लग सकती है। दूसरी हमारे पास एक और है, इसको बोलते हैं डैम्प्ड कंडीशन, डैम्प्ड कंडीशन। अब ये डैम्प्ड कंडीशन क्या होता है, एक चीज बहुत क्लियरली बताई जाती है कि जब आपके हाथ पांव आपकी बॉडी वेट होती है, वेट होती है, जब गीले आपके हाथ में होते हैं, उस वक्त आप वायर को ना पकड़े, उस वक्त स्विच प्लग इन ना करें, किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस जो कि वर्किंग कर रही होती है उसको टच ना करें। रीजन क्या होता है, अगर बॉडी वेट है, याद रखें अगर बॉडी वेट है तो इसमें उस वक्त बॉडी में जो रेजिस्टेंस होती है वो फ्यू हंड्रेड होती है। कब, जब हमारी बॉडी वेट होती है, और अगर हमारी बॉडी ड्राई हो तो उस वक्त जो रेजिस्टेंस होती है वो तकरीबन 1 लाख ओम रेजिस्टेंस होती है। अगर हमारी बॉडी ड्राई है ना, बिल्कुल खुश है, जैसे कि आई एम स्टैंडिंग है, तो इस वक्त मेरी बॉडी का जो रेजिस्टेंस पावर रेजिस्टेंस है वो 1 लाख ओम है। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है 1 लाख ओम, इसका मतलब है कि इस वक्त मेरी बॉडी से करंट पास होना बहुत मुश्किल है। अगर मैं वायर को पकड़ भी लू ना, स्विच को पकड़ लू, डैमेज को नहीं, अगर मैं वायर को पकड़ लू तो मुझे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर मेरी बॉडी वेट है, मैं अपने हाथ गीले किए हुए हैं, अब अगर मैं स्विच को भी पकड़ूंगा ना तो मुझे खतरा रहेगा कि करंट ना लग जाए मुझे। क्यों? क्योंकि जब वेट होगी बॉडी तब जो बॉडी की रेजिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, और रेजिस्टेंस जितनी कम होगी करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा, तो इसलिए खतरा होता है कि गीले हाथ पांव से वायर को पकड़ने से इंसान को करंट लग सकता है, करंट फील होता है, ठीक हो गया। तो अगर 1 लाख ओम रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब यह है कि करंट जिसमें से पास करेगा वो बहुत ज्यादा अंपेयर में होगा, जिसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो ये हमारे पास होती है, एक तो डैम कंडीशन होती है, और दूसरी हमारे पास शॉर्ट सर्किट होती है या फिर इंसुलेशन वायर होती है। ये हमारे पास नुकसान होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जो कि हमारे घरों को के लिए बहुत ज्यादा, हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं। अगर इनसे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।